शहर में अतिक्रमण की कार्रवाई जोर पर है। नो पार्किंग में लगी गाड़ियां शहर का टोइंग दस्ता सबसे पहले उठाकर ले जाता है। इसी कड़ी में विभागीय आयुक्त कार्यालय से आरबीआई कॉलोनी तक के मार्ग पर बेतरतीब लगी ये गाड़ियां साफ दिखाई दे रही है। आखिर कब होगी इन पर कार्रवाई? कहा जाता है कि सरकार का कोई काम समय पर हो या ना हो, पर नो पार्किंग में लगी गाड़ी बहुत ही तेजी से टोइंग वैन आकर ले जाएगी। पर अब इसकी विपरीत परिस्थिति सामने आ चुकी है। ये गाड़ियां जो नो पार्किंग में खड़ी आप देख सकते हैं, वो है विभागीय आयुक्त कार्यालय से आरबीआई कॉलोनी तक के मार्ग की। जी हाँ, सही सुना आपने, सिविल लाइन का ये एरिया है जिसे खुद प्रशासन ने ही नो पार्किंग जोन करके घोषित किया है, जहां पर ये गाड़ियां पार्क है। पर प्रशासन इस पर आंखें मूंद कर बैठी है। क्यों प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता? अरे हाँ, सही तो बात है, ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे? प्रशासन को तो बस आम गरीब नागरिक का ही पैसा खाने में और उनके साथ अन्याय करने में मजा आता है। भला ये सिविल लाइन परिसर में स्थित ये बड़ी गाड़ियां क्यों उठाएंगे? उन्हें तो बस मेडिकल चौक की या फिर जहां पर आम नागरिक अमूमन अपनी दोपहिया गाड़ियां रखता है वहीं पर कार्रवाई करनी है। उन्हें तो बस गरीब लोगों के फुटपाथ पर रखे ठेले और छोटी मोटी दुकानें ही उठाकर लेके जानी है। भला प्रशासन आम नागरिकों को परेशान करना छोड़ इन चार पहिया गाड़ियों पर क्यों ध्यान देगी? हमारा तो कहना बस इतना ही है कि साहब, कृपया इस क्षेत्र में भी ध्यान दीजिए और इन नो पार्किंग जोन में पार्क की गई गाड़ियों पर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।